बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू रीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कनाडा आईआरसीसी की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि पूरे एक साल के अंदर कितने लोग परमानेंट रेजिडेंसी लेने में कामयाब रहे। 2019 जून से लेकर 2020 जून तक कितने लोगों ने परमानेंट रेजिडेंसी ली। दोस्तों इस रिपोर्ट से ये चीज़ भी पता चलती है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ से वो परमानेंट रेजिडेंसी गेट कर पाए, साथ ही कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अब तक परमानेंट रेजिडेंसी लेने में टॉप पर रही हैं। और इसी रिपोर्ट से ये चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाता है दोस्तों कि आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या आप लोग परमानेंट रेजिडेंसी गेट कर पाओगे या फिर नहीं। तो चलो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों हर साल आईआरसीसी की रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है ताकि इस रिपोर्ट से लोग मोटिवेट हो सकें, साथ ही में कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा लोग इमिग्रेट कर पा रहे हैं कनाडा उसका भी पता चल सके। दोस्तों कनाडा आईआरसीसी की रिपोर्ट के हिसाब से 2020 की जून से लेकर 2020 के मार्च तक काफ़ी ज़्यादा परमानेंट रेजिडेंसी इशू किए गए। देखा जाए तो दोस्तों मार्च से कोविड-19 की वजह से एप्लीकेशन सबमिट होना बंद कर दी गई थी जिसकी वजह से वो जून तक जा ही नहीं पाया। अब जो ये रिपोर्ट है वो पूरे मार्च तक की है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा परमानेंट रेजिडेंसी लेने में लोग कामयाब रहे। कनाडा आईआरसीसी की रिपोर्ट के हिसाब से 11,000 लोगों को वेलकम किया कनाडा ने पीआर देकर। पूरे साल में जिन जिन लोगों की एप्लीकेशन पेंडिंग में थी ज़्यादातर उन लोगों को ही पीआर इशू किए गए। उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ भी मेंशन की दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो पीआर इशू किए गए वो अप्रैल मंथ में किए गए, क्योंकि दोस्तों ये जो अमाउंट थी वो तकरीबन भी 4,000 थी, मतलब कि एक ही मंथ के अंदर 4,000 परमानेंट रेजिडेंसी इशू किए कनाडा ने, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है कनाडा के लिए भी। और वो सिर्फ इस वजह से दोस्तों क्योंकि मार्च में कोविड-19 स्टार्ट हो गया था और कनाडा ये बात जानता था कि आगे आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्होंने एक ही मंथ के अंदर 4,000 परमानेंट रेजिडेंसी इशू कर दिए। कनाडा के हिसाब से टोटल कंप्लीट ईयर के अंदर 19,000 परमानेंट रेजिडेंसी इशू किए गए, मतलब के जून 2019 से लेकर मार्च 2020 तक टोटल जो है वो 19,000 परमानेंट रेजिडेंसी इशू किए गए कनाडा की तरफ से। दोस्तों ये बात सच है कि 19,000 परमानेंट रेजिडेंसी भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन आईआरसीसी ने इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ मेंशन की है कि ये बहुत कम अमाउंट है। कनाडा आईआरसीसी का बोलना है कि प्रीवियस ईयर के अंदर जो परमानेंट रेजिडेंसी इशू किए गए थे उसके हिसाब से ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि दोस्तों इसके जो प्रीवियस ईयर इशू किए गए थे वो तकरीबन भी 34,000 परमानेंट रेजिडेंस थे, जिसके हिसाब से 2020 जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहा पीआर प्रोसेस को लेकर बिकॉज ऑफ कोविड-19। दोस्तों बात की जाए कि कौन कौन सी कंट्रीज ने सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल की परमानेंट रेजिडेंसी लेने में, तो नंबर वन के ऊपर है इंडिया। दोस्तों इंडियंस ने 6,760 परमानेंट रेजिडेंसी लिए पूरे साल में। उसके अलावा सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पर है चाइना। चाइनीज ने तकरीबन 2,010 परमानेंट रेजिडेंसी लिए पूरे साल के अंदर। नंबर थ्री की बात की जाए तो यहाँ पर है फिलीपींस। दोस्तों फिलीपींस ने जो है वो 900 परमानेंट रेजिडेंसी गेट की है। उसके बाद है यूएस, यूएस ने 740 लिए। उसके बाद है पाकिस्तान, पाकिस्तान ने 595 परमानेंट रेजिडेंसी लिए। इसके अलावा है ब्राज़ील, ब्राज़ील ने जो है वो 560 लिए। उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ने 535 लिए। उसके बाद है ईरान, ईरान ने 390 लिए। और उसके बाद है साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया ने 355 परमानेंट रेजिडेंसी गेट की। फ्रेंड्स इसका मतलब ये कि इंडिया भी सबसे ज़्यादा टॉप पर है पीआर लेने के अंदर, और इंडियंस के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं पीआर गेट करने के 2020 के अंदर भी। अब दोस्तों आईआरसीसी ने आने वाले दिनों के अंदर ये भी चीज़ बताई है कि पीआर प्रोसेस को मज़ीद फास्ट किया जाएगा, साथ ही में 2020 और 2021 के अंदर काफ़ी ज़्यादा पीआर इशू करेगा कनाडा। कनाडा गवर्नमेंट अब पूरा फोकस जो है वो न्यू इमिग्रेंट्स पर रख रहा है,
ताकि जल्द से जल्द जो लेबर शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके और जल्द से जल्द जो भी ये पीआर की लिमिट्स थी, मतलब कि होता यह है कि हर साल का जो उन्होंने एक अमाउंट बनाया हुआ होता है कि इतने लोगों को पीआर देना है, उसके हिसाब से 2020 काफ़ी ज़्यादा स्लो रहा, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फास्ट किया जाएगा इस सिस्टम को और ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट रेजिडेंसी इशू किए जाएंगे। अब दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट से ये चीज़ पता चलती है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है, कनाडा की तरफ से नए नए प्रोग्राम्स भी देखने को मिल सकते हैं और प्रोग्राम्स के अंदर मज़ीद आसानियां भी देखने को मिल सकती है। जैसे अभी आप यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम देख सकते हो दोस्तों, जो कि कितना आसान प्रोग्राम निकाला गया है और आगे आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद ऐसे आसान प्रोग्राम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।